वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये लेक्चर हम लोग सर्वेइंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि है सिविल का थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये सिविल ब्रांच में जो ब्रांच पेपर जो उसको कहते हैं, मतलब कि यहाँ से हम लोग थर्ड सेमेस्टर से हम लोग जो भी पढ़ेंगे, मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग या सर्वेइंग, आप लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप लोग देख ही लिए होंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो ब्रांच पेपर है, मतलब कि जो फर्स्ट यूनिट और सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो आप पढ़े वो सिर्फ बेसिक था, वो मतलब कि आपके जो ब्रांच से रिलेटेड नहीं था, वो सिर्फ आपको बेसिक के लिए मतलब कि आप पढ़े हैं। और जो थर्ड सेमेस्टर से जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जो ब्रांच पेपर है, जो आपका जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का जो ब्रांच पेपर, या सिविल का है तो सिविल का जो ब्रांच पेपर, वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं वो है सर्वेइंग, ठीक है। तो सर्वेइंग सबसे पहले जानते हैं कि सर्वेइंग किसका नाम है, सर्वेइंग किसको कहते हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग इंजीनियरिंग में एक ऐसे ब्रांच पेपर का नाम है जिसमें, मतलब कि सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें अगर जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिविल का बना रहे हैं, मैकेनिकल का बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको जिस जगह पर या जिस लोकेशन पर बनाना होता है उस जगह का प्लॉटिंग करने के लिए, मतलब कि हम लोग को किसका जरूरत होता है, सर्वेइंग का, ठीक है। तो सर्वेइंग क्या है, तो सर्वेइंग एक ऐसे ब्रांच ऑफ पेपर है इंजीनियरिंग का जिसमें हम लोग मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, एक मतलब कि यूनिवर्सिटी का प्लान डेवलप करते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, और जितने भी मतलब कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एक बड़ा सा प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब सभी को प्लॉटिंग करने के लिए, मतलब कि उसको उस इन सारे एरियाज को प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सर्वे करना होता है, ठीक है। मतलब कि क्या सर्वे, सर्वे के मतलब कि वो कितना एरिया में कंज्यूम होगा, कितना एरिया में वो मतलब रहेगा, इसका हम लोग पता लगाने के लिए उसका सबसे पहले सर्वे करते हैं, ठीक है। तो सर और देखिए, जैसे कि आप ब्रिज बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं या कैनल बनाते हैं, तो उसका मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल कंजप्शन होगा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सर्वे में, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग जब मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो करते हैं वो हम लोग जमीन पर ही करते हैं, ठीक है। तो सर्वे तीन तरह का होता है, देखिए जब हम वाटर बॉडीज को, मतलब वाटर बॉडीज का जब हम सर्वे करते हैं तो उसे हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं, ठीक है। और जब हम जमीन का सर्वे करते हैं तो उसे हम लोग लैंड सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है। और जब हम मतलब कि एयर, हवा, आसमान में जब जैसे कि यानी कि स्पेस का हम लोग सर्वे करते हैं तो उसे हम लोग एरियल सर्वे कहते हैं। मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो है लैंड सर्वे, ठीक है। एरियल सर्वे को हम लोग जो है एडवांस सर्वे में, जो कि लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है। और इसका यूज जो है बेसिकली मिलिट्री यूज में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो है लैंड सर्वे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वेइंग क्या है, ठीक है। देखिए सर्वेइंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का एक पेपर है जिसके अंतर्गत मतलब कि हम लोग उसका एरिया का कितना एरिया में है ये निकालते हैं, ठीक है। वो किस लोकेशन में है इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और उसका मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल कंजप्शन है ये सब हम लोग को कंसीडर किया जाता है इसमें। तो ये सब सारा का सारा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सर्वेइंग में, ठीक है। अब देखिए, अब दो चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला देखिए, हमारा जो अर्थ है वो प्लेन नहीं है, मतलब कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन नहीं है। देख हमारा जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन नहीं है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है डैट इज़ नॉट प्लेन, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक कर्व की तरह है, एक मतलब स्पेरिकल बॉल की तरह है, एक सर्कुलर बॉल की तरह है, ठीक है। और इसमें एक कर्वेचर इंक्लूड होता है, कर्वेचर, ठीक है। हमारा जो अर्थ सरफेस है उसमें एक कर्वेचर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अगर हम एक दो कट्ठा, तीन कट्ठा, चार कट्ठा, एक बीघा या दो बीघा तक हम लोग अगर सर्वे करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उसमें हम लोग अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अर्थ सरफेस के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वैसे सर्वे को हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। प्लेन सर्वे में हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो ज़मीन है, जो अर्थ सर्फेस है वो प्लेन है। तो वैसे सर्वे को हम लोग
क्या बोलते हैं प्लेन सर्वे, और इसमें जो है हम लोग अर्थ अर्थ कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लेन सर्वे का यूज़ कहाँ है, जब आप मतलब कि 1-2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा मतलब 1 बीघा या 2 बीघा तक का मतलब आप ज़मीन का सर्वे कर रहे हैं, या आप 1-2 किलोमीटर के या 3 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर का ज़मीन का हाईवे पर हाईवे रोड 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 बना रहे हैं या रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सर्वे को हम लोग वैसे सर्वे में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें अर्थ सरफेस को कंसीडर नहीं करते हैं, अर्थ कर्वेचर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसमें अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वैसे सर्वे को प्लेन सर्वे करते हैं। और अब देखिए कि एक और जो सर्वे होता है वो होता है जियोडेटिक सर्वे। मेनली दो सर्वे होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे करने का मतलब है कि जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है, तो वैसे सर्वे को क्या कहते हैं प्लेन सर्वे। और जियोडेटिक सर्वे कहने का मतलब कि जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे किसे कहते हैं, तो ए टाइप ऑफ विच सर्वे द अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड इज कॉल्ड प्लेन सर्वे, ठीक है। और जियोडेटिक सर्वे किसे कहते हैं, तो ए टाइप ऑफ विच सर्वे इन विच द अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। देखिए आप जियोडेटिक सर्वे का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्वे का यूज़ होता है जैसे कि आप एक स्टेट का पूरा या पूरा डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि या पूरा डिस्ट्रिक्ट का या पूरा प्रखंड का आप सर्वे कर रहे हैं, तो वैसे सर्वे में हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज़ करते हैं। एक मोटा मोटी मान के चलिए कि 95 किलोमीटर स्क्वायर 95 किलोमीटर स्क्वायर से स्क्वायर या उससे कम एरिया का अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो उसे हम लोग प्लेन सर्वे कहते हैं, ठीक है। और अगर आप 95 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया का सर्वे कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जियोडेटिक सर्वे का यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कि आप पूरा स्टेट का सर्वे कर रहे हैं या पूरा एक प्रखंड का या पूरा पूरे का पूरे जिला का आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सर्वे में हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं, और इंक्लूड तो वैसे सर्वे को हम लोग क्या कहेंगे जियोडेटिक सर्वे। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि सर्वे को मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में बांटा गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए चैन हो गया, कंपास, थेडोलाइट, टेक्यूमेट्री। देखिए जब हम चैन का यूज करते हैं तो उसे हम लोग चैन सर्वे करते हैं, ठीक है। और जब हम कंपास का यूज करके सर्वे करते हैं तो उसे हम लोग कंपास सर्वे करते हैं, ठीक है। जब हम क्या बोलते हैं थेडोलाइट का यूज करते हैं तो उसे हम लोग थेडोलाइट सर्वेइंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग टैकोमेट्रिक का यूज करते हैं तो टैकोमेट्रिक सर्वे कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम लोग सर्वेइंग का अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए कि हम लोग जो सर्वेइंग होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए मतलब कि जो भी हम लोग इंजीनियरिंग कोई भी स्ट्रक्चर या उसका मतलब प्लॉटिंग करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग, ठीक है, किसी चीज़ का जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसका जो लेवलिंग होता है वो हम लोग कहाँ से करते हैं, तो मिल सी लेवल कहाँ से करते हैं, मील सी लेवल से करते हैं। मील सी लेवल कहने का मतलब कि समुद्र तल से। फॉर एग्जांपल आप जब भी अगर कोई स्टेशन पर जाइएगा, जैसे कि आप अगर पटना स्टेशन पर जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर एक पीला कलर का बोर्ड होगा स्टेशन पर, उसमें आप जब देखेगा तो लिखा हुआ होगा कि पटना जंक्शन एबव द मील सी लेवल, ठीक है। जब आप उसमें बोर्ड में जब नीचे देखिएगा उसके नीचे तो लिखा होगा पटना जंक्शन अबव मिल सी लेवल इज इक्वल टू 49.45 मीटर। 49.45 मीटर कहने का मतलब क्या कि जो आपका जो पटना शहर है वो 49 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। मतलब कि ये जो पटना शहर है जो 49 मीटर समुद्र तल से मिल सी लेवल से ऊपर है, तो वहाँ पर जो लिखा हुआ उसका ये मतलब है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप दिल्ली स्टेशन पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा कि
मतलब कि ये 110 मीटर के ऊपर है, मतलब मील सी लेवल से, मतलब कि ये मील सी लेवल से 110 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब जब आप हिमाचल प्रदेश जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा 500, 550, 750 मीटर ये समुद्र तल से ऊपर है, यानी कि मील सी लेवल से ऊपर है। मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब कि सी लेवल से हम लोग अपने सरफेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो लेवल है वो हम लोग कहाँ से, मतलब जो हमारे यहाँ जो मील सी लेवल है वो हम लोग कहाँ से, मतलब हिंदुस्तान में जो मील सी लेवल है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो वो हम लोग मुंबई से लेते हैं, मुंबई, ठीक है। ये SSC JEE में हर बार पूछता है कि हम लोग का जो मील सी लेवल है वो कहाँ से लिया जाता है, तो इसका याद रखिएगा ये हम लोग मुंबई से लेते हैं, ठीक है, मुंबई, ठीक है। तो सर्वे क्या है, तो सर्वे एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, एक ऐसा ब्रांच का इंजीनियरिंग का पेपर है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी जो जो जगह पे हम लोग बनाना चाहते हैं, जो कोई भी इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जैसे ब्रिज हो गया, ठीक है, रोड हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे लाइन अगर बिछाना है, ठीक है, तो उस जगह का हम लोग प्लॉटिंग करने के लिए सर्वे का यूज़ करते हैं। उस जगह का मतलब कि लोकेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, लोकेशन कितना एरिया में कंज्यूम होगा उसको फाइंड करते हैं, ठीक है, उसका एंगुलर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट क्या होगा इसको फाइंड करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग सर्वेइंग में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि देखिए, जो सर्वे होता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे किसे कहते हैं, तो वैसा सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, मतलब कि उसको नेगलेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेन सर्वे, ठीक है। प्लेन सर्वे के अंतर्गत हम लोग छोटा मोटा, जैसे कि 1-2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 1 बीघा या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के जमीन पर कोई भी हाईवे या कोई भी, मतलब कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसका सर्वे करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में हम लोग मान के चलते हैं कि ज़मीन समतल है, ठीक है, एक प्लेन है, तो वैसे सर्वे को हम लोग प्लेन सर्वे कहते हैं। और जियोडेटिक सर्वे कहने का मतलब है कि वैसा सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है, तो वैसे सर्वे को प्लेन जियोडेटिक सर्वे कहते हैं, ठीक है। तो 95 किलोमीटर स्क्वायर या उससे कम एरिया का अगर सर्वे करना होगा तो उसमें हम लोग प्लेन सर्वे का यूज़ करते हैं, और इसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और 95 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया का अगर सर्वे करना होगा तो उसमें हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज़ करते हैं, और इसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो सर्वे होता है वो मेनली डील करता है मेजरमेंट से, ठीक है, वो मेनली डील करता है मेजरमेंट से, ठीक है। तो मेजरमेंट में दो मेजरमेंट होते हैं, एक होता है लीनियर मेजरमेंट, एक होता है एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। अब देखिए, हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो ए है, ठीक है, और ये देखिए, ये आपका एक पटना शहर है, ठीक है, इधर हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ये जो लोकेशन जो आपको ए दिख रहा है, ये समझिए कि पटना शहर से किसी साइड है, या तो नॉर्थ में होगा, या तो ईस्ट में होगा, नहीं तो वेस्ट, साउथ में होगा, नहीं तो वेस्ट में होगा, ठीक है, ये किसी साइड है। तो इसके लिए हम लोग दो चीज़ को डिफाइन करना होता है। सबसे पहला जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन कहने का मतलब दिशा, ठीक है, वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसकी जो लेंथ, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये हम लोग को फाइंड करना होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट में दो चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट में भी दो टाइप्स होते हैं, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट और एक वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट। ठीक उसी प्रकार एंगुलर मेजरमेंट में भी दो मेजरमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट और एक वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो ए है, ठीक है, और ये जो पटना शहर है, ठीक है, तो पटना शहर से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे,
हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट। तो हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट कहने का मतलब है कि जो पटना शहर है वहाँ से जो आपका प्रोजेक्ट है वहाँ का मतलब वहाँ तक का दूरी कितना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो इसकी दूरी है वो है 10 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जानेंगे कि इसका ये किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जो है ये नॉर्थ से ईस्ट है। मतलब कि जब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा तो नॉर्थ से ईस्ट मतलब कि इस साइड ही लिया जाता है। तो ये हम लोग का किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ से ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और कितने दूरी पर है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको दो मेजरमेंट लेना होता है। एक होता है डब्ल्यू सी बी। डब्ल्यू सी बी कहने का मतलब होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। और एक होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग। क्वाड्रेंटल मतलब कि जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट जब आप पढ़े होंगे तो ये 1, 2, 3, 4 चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे मतलब कि 10th में 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं। एक जो होता है डब्ल्यू सी बी होल सर्कल बेरिंग जिसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल जो कि जो कोऑर्डिनेट जो आप होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट जिसको हम बेरिंग के नाम से भी जानते हैं, बेरिंग भी कहते हैं, तो वो क्या होता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जब आपका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो पटना जंक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर की दूरी पर है WCB के। WCB मतलब कि होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो प्रोजेक्शन वो कितने डिग्री पर है, ये हम लोग जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो कितने डिग्री पर है, तो इसको ये मान के चले कि 125 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। 125 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड के एंगुलर मूवमेंट मतलब क्या बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट पे है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका लोकेशन है वो पटना जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 125 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड के एंगल पर है। मतलब कि एंगल पर वो जो लोकेशन है वो आपका है। तो हम लोग को वो उसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है उसको बताइए, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा कि हमारा जो लोकेशन है वो पटना जंक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर की दूरी पर 125 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड के एंगल पर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए कि जो वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो आपका जो मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट ए है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका पटना सिटी है, पटना जंक्शन है, तो वहाँ का जो सी लेवल जो क्या बोलते हैं जो मिल सी लेवल होता है जो वहाँ का वो कितनी ऊंचाई पर है और ये कितने ऊंचाई पर है। अगर जो ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो उसके रिस्पेक्ट में पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर नीचे है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। अगर वो पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में ऊपर है तो वो क्या चला जाएगा, एलिवेशन में चला जाएगा। मतलब एलिवेशन में हम लोग उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि तो उसी को हम लोग वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट पकड़ते हैं, ठीक है। वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट क्या है, तो देखिए जो अब जो आपका पटना शहर है या पटना जंक्शन है जहाँ से, ठीक है, वहाँ से और वहाँ जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोजेक्ट ए है और जो पटना जंक्शन है, यहाँ से हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि पटना की किसका जमीन मतलब कि जो किसका मिल से लेवल ऊंचा है। अगर ऊंचा रहेगा, ठीक है, अगर ऊंचा रहेगा तो वो तो एलिवेशन में चल जाएगा। अगर इसका उसके रिस्पेक्ट में पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में नीचे रहेगा तो ये डिप्रेशन में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट जैसे कि देखिए
ये हुआ आपका पटना, ये पटना सिटी जहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका प्रोजेक्ट नीचे है तो ये तो आपका डिप्रेशन में चल जाएगा, मतलब कि, और ये जो अगर ऊपर रहेगा तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि एलिवेशन में चल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या में पढ़ते हैं, वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट में, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट में हम लोग क्या देखते थे, ठीक है। देखिए, जो हमारे जो प्रोजेक्ट जहाँ बनाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट का जहाँ हम लोग लोकेशन है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का लोकेशन ए है, ठीक है। तो ए का लोकेशन पटना जंक्शन से कितनी दूरी पर है वो हम लोग को क्या कौन बताता है, हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट जो है, जिसको हम लोग बीयरिंग भी कहते हैं, मतलब बीयरिंग के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या बताता है कि जो आपका जो लोकेशन है वो पटना जंक्शन से किस डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में है, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और कितने एंगल पे है तो वो आपको बताएगा ये हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट। तो ये कितने एंगल पे है, तो 125 डिग्री 20 से मिनट 30 सेकेंड, मतलब कि आपका जो लोकेशन है वो पटना जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 125 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड के क्या एंगल पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए, जो वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट है ये क्या बताता है, ठीक है। तो ये बताता है कि देखिए, जैसे कि आपका ये जो लोकेशन है और वो जो पटना जंक्शन से जहाँ आप इसका दो जो दूरी लिए हैं, तो पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में ये जो आपका प्रोजेक्ट है ऊपर है या नीचे है, मतलब अगर, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आप कितना ऊपर है, मान लीजिए कि ये होगा 2.5 मीटर ऊपर है पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हम लिखे ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट, मतलब कि इसका वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट कितना है, तो 2.5 मीटर है, ठीक है। मतलब कि पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो कितना ऊपर है, तो 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। अगर नीचे रहेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, अगर ऊपर रहेगा तो एलिवेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट क्या है, तो वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट देखिए क्या किसे कहते हैं, कि जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये जैसे कि पटना शहर, ठीक है। तो वो अगर पटना जंक्शन के रिस्पेक्ट में ऊपर होगा तो वो एलिवेशन में चल जाएगा, अगर नीचे रहेगा तो वो डिप्रेशन में चल जाएगा। तो यही बताता है कौन, वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि देखिए, जो हॉरिजॉन्टल चैन होता है वो हम लोग किस में यूज करते हैं, तो वो चैन सर्वे में यूज होता है, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट है। पहला यूनिट में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और जो सेकेंड यूनिट है वो है चैन सर्वे, ठीक है। चैन सर्वे कहने का मतलब, उसमें हम लोग चैन के द्वारा क्या बोलते हैं, सर्वे करते हैं। पहले जमाने में जो हम लोग सर्वे करते थे वो चैन से किया जाता था, पहले कोई टेप नहीं था। अब के जमाने में जो सर्वे करते हैं वो हम लोग टेप से करते हैं, ठीक है। तो पहले के जमाने में चैन से सर्वे करते थे, कैसे, जैसे कि 12 चैन, 10 चैन, 16 चैन, ठीक है, ऐसे हम लोग सर्वे करते थे। तो चैन सर्वे का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट में करते हैं, ठीक है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट कहने का मतलब क्या, ठीक है, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट कोई लोकेशन ए है वो लोकेशन बी से कितनी दूरी पर है, तो ये बताता है हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट, जो कि हम लोग को पढ़ना है चैन सर्वे में, ठीक है। अब चैन सर्वे क्या क्या है, तो मतलब कि उसमें बताया जाता है, उसमें चैन से सर्वे किया जाता है, चैन के द्वारा सर्वे किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन के बारे में पढ़ना है, जैसे मैट्रिक चैन हो गया, गंटर चैन हो गया, और बहुत सारा चैन है, इंजीनियर्स चैन हो गया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा चैन है, उसको हम मतलब कि उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप्स है, ठीक है। तो वो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यूनिट है वो है कंपास सर्वे। तो अब देखिए कि जो थर्ड यूनिट है, जो कि है कंपास सर्वे, वो हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट है उसमें जो
ये कंपास सर्वे जो है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल बीयरिंग, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट जिसको हम बीयरिंग के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कंपास हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट ए है, ठीक है, वो तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ये हम लोग को क्या बता रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। पर लेकिन ये किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर है ये कौन बताता है, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट बताता है, ठीक है। तो ये कितने एंगल पर है, तो ये है 125 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड के एंगल के WCB पे है, ठीक है। तो ये WCB कहने का मतलब क्या, होल सर्कल बीयरिंग, ठीक है। कंपास सर्वे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, दूसरा जो होता है नॉर्मल कंपास होता है, ठीक है। तो एक कंपास में हम लोग WCB से रीडिंग करते हैं, मतलब WCB का मतलब होल सर्कल बीयरिंग, और एक एक कंपास में हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, तो क्वाड्रेंटल बीयरिंग, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो उसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसी को हम लोग क्वाड्रेंटल बीयरिंग में मतलब यूज़ करेंगे। कंपास के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक नॉर्मल कंपास, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट हम लोग चैन सर्वे पढ़ेंगे, और हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कंपास सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट में हम लोग चैन सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि चैन सर्वे में हॉरिजॉन्टल चैन इसका यूज़ किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट, और कंपास सर्वे में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट, ठीक इसी तरह जब आप किसी प्रोजेक्ट का लोकेशन, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन ए है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन ए है, तो ये जो लोकेशन है वो पटना जंक्शन, या आप किसी भी कोई भी बेंचमार्क ले लीजिए, कोई भी बेंचमार्क कहने का मतलब कोई भी जंक्शन, कोई भी पोस्ट ऑफिस या कोई भी परमानेंट बिल्डिंग, जहाँ से आपको इसका मतलब कि कितना ऊपर है कितना नीचे ये देखना है, ठीक है। तो वो आप बेंचमार्क आप पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिसका आपको पता हो वहाँ से आपको लेना है, लेवलिंग करना है, ठीक है। तो वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि पटना जंक्शन है, ठीक है, तो पटना जंक्शन से ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, मतलब कि जो ज़मीन, तो क्योंकि ज़मीन तो है वो एक साइज़ का तो होता नहीं है, कहीं ऊपर कहीं नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना नीचे है कितना ऊपर है, ये हम लोग को बताता है वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। और ये जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है लेवलिंग में। लेवलिंग कहने का मतलब कि आपका जो मतलब कि जो घर बनाते हैं, मतलब घर बनाएंगे या कुछ भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी, तो जिस जगह पे बनाते हैं उस जगह से, और जिस जगह से आपको मतलब कि लेना है कि वो कितना मतलब ऊपर है कितना नीचे है, ठीक है, तो उसको मतलब देखा जाता है लेवलिंग में। अगर जिस बेंचमार्क से, ठीक है, अगर बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अगर आपका ज़मीन नीचे है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन, ठीक है। अगर बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अगर आपका ज़मीन ऊपर है तो उसे कहते हैं एलिवेशन, ठीक है। तो अगर ज़मीन नीचे होगा तो उसको भरेंगे, ठीक है, मतलब कि मिट्टी से भरेंगे, और अगर ज़मीन ऊपर होगा तो मिट्टी को काट के उसको प्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लेवलिंग में, लेवलिंग, ठीक है। तो हम लोग जो वर्टिकल एंगुलर में, वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट में हम लोग लेवलिंग पढ़ते हैं, ठीक है। वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट कहने का मतलब कि आपका जो लोकेशन है प्रोजेक्ट का, और वो पटना जंक्शन या कोई भी बेंचमार्क मान लीजिए, ठीक है, आप पोस्ट ऑफिस को मान सकते हैं, कोई स्टेशन से को मान सकते हैं, ठीक है, तो वो बेंचमार्क से आपका जो लोकेशन है वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है, तो ये हमको बताता है वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट, जो कि हमको पढ़ना है लेवलिंग में, ठीक है। अब जानिए कि वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट क्या है। तो वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट मतलब कि यही चीज़ है, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऊपर की साइड है, ठीक है, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे की साइड है तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हम लोग को पढ़ना है वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट में, जो कि हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सर्वे में, जो अगला सेमेस्टर में जो सर्वे है उसमें हम लोग पढ़ेंगे।
थेडोलाइट सर्वे और टैक्योमेट्रिक सर्वे में हम लोग इसको वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो है वो है कॉन्ट्यूरिंग। देखिए कॉन्ट्यूरिंग क्या है, कॉन्ट्यूरिंग को समझने से पहले सबसे पहले जानिए कि देखिए अगर आप लोग ये तीन यूनिट अच्छे देखिए, ये चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, अगर ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आपको आप ये अच्छे तरह से नहीं पढ़िएगा तो आप कॉन्ट्यूरिंग नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। कॉन्ट्यूरिंग कहने का मतलब, कॉन्ट्यूरिंग एक इमेजिनरी लाइन है, इसको कह सकते हैं कि कॉन्ट्यूरिंग इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, मतलब कि इक्वल एलिवेशन के जोड़ने वाले इमेजिनरी लाइन को कॉन्ट्यूरिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको बस यही इंट्रोडक्शन रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ फिफ्थ यूनिट में तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट है वो है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। देखिए जब आप कोई भी प्लॉट बनाते हैं तो वो कितने एरिया में बनाना है, कितने 10 एकड़ में बनाना है, 20 एकड़ में बनाना है, तो वो जो एरिया इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब जैसे कि आप कोई ब्रिज क्या बोलते हैं हाईवे बनाते हैं या कोई कैनाल बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम बनाते हैं तो वो ट्रेपेजियम को हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी से बना देते हैं, ठीक है। पर ये देखिए, और इसको हम लोग रोड के लेवल से बना देते हैं, रोड के लेवल तक बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन है, मतलब बराबर है रोड के, या कोई भी मतलब बराबर है ज़मीन के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेपेजियम बनाने में। लेकिन अगर बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग देखेंगे कि उस बेंचमार्क से कितना ऊपर है। अगर ऊपर रहेगा तो हम लोग मिट्टी जो है उसको काट कर बराबर करेंगे, अगर नीचे रहेगा तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे, भरेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सॉइल कंजप्शन, मतलब कि कितना मिट्टी को काटना है, कितना मिट्टी को भरना है, ये हम लोग पढ़ेंगे एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, जो कि है आपका लास्ट यूनिट, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सर्वेइंग का फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन लेक्चर। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे और उसके मेन और बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।